नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका होली का त्यौहार लाजवाब जा रहा होगा। चीजें आप रंग वगैरह खेल रहे होंगे या खेलने की तैयारी कर रहे होंगे, उसके साथ साथ क्या कहते हैं घर में सारी तैयारियां हो गई होंगी। होली का त्यौहार है, हमारा नया वर्ष की शुरुआत है, ठीक है। तो नया वर्ष क्यों ना अच्छे से मनाया जाए, जैसे 1 जनवरी मनाते हैं तो वैसे हमारा जो नया वर्ष है वो तो अब चालू होता है। खैर कोई बात नहीं, और आप लोगों ने आंग्ल सिख युद्ध देखा होगा, उन सब टॉपिकों को दोस्त पढ़ लीजिए। देखिए प्रमोशन वीडियो, हम बार बार आपसे कहेंगे प्रमोशन वीडियो इसलिए नहीं होता है कि हम कोई चीजें आपसे मांगते हैं, बस इसलिए होता है कि हम कोई चीजें आपको देना चाहते हैं। और जैसे आप मैसूर युद्ध देखिए, आंग्ल सिख युद्ध देखिएगा, ये अभी तक बहुत रेयर ही मुझे लगता है किसी ने ऑनलाइन मतलब प्रमोशन में पढ़ाया होगा, पर मैं जानबूझ के ये चीजें इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ये थोड़े टिपिकल टॉपिक्स हैं और आप इनको कवर कर लीजिए। कई सारे लोग हैं जिनके आर ओ के पेपर होंगे, उनको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए लास्ट क्लासेस की तरह आज भी मैंने एक लाजवाब टॉपिक उठाया है, जहां से एक ना एक सवाल अक्सर बन जाता था और आज बनेगा भी आने वाले समय में एग्जाम्स में, वो थे भारत के समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ठीक, मुद्दा ये है कि भारत की समाचार पत्र और पत्रिकाओं की शुरुआत कैसी होती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि भाई जब तक भारत में प्रिंटिंग प्रेस नहीं रहेगी, ठीक, छपाई खाना जिसको आप कहते हैं, तब तक ये छापे कहां से जाएंगे समाचार पत्र वगैरह। इसके लिए तो प्रिंटिंग प्रेस रहना जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो 1554 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा बंबई तथा गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई और 1557 ईस्वी में पहली बार गोवा के पादरियों के द्वारा पुस्तक छापी गई थी। जनरली उस बुक में 1556 लिखा हुआ है जो छपी हुई उस बुक की डेट, लेकिन किताबें कहती हैं कि 1557 में छापी गई। इसके बाद 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, लेकिन 100 वर्षों तक उन्होंने कोई भी प्रकाशन नहीं किया। उनको इस बात का डर था कि वो जो भारत में कर रहे हैं कहीं इस बात की जानकारी इंग्लैंड में ना हो जाए। तो जाहिर सी बात है कोई अच्छा काम तो कर नहीं रहे होंगे, कोई इंसान जब कुकर में कोई गलत काम करता है तभी तो छुपाता है। तो वो भारत में जो अपने निजी धंधे अपना रहे थे, भारत को लूट रहे थे, तो यही रीजन है उन्होंने किसी प्रकार के समा 100 साल तक किसी प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन नहीं किया ताकि इंग्लैंड में इस बात की जानकारी ना हो। उसके बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे विलियम वोट, ठीक, विलियम वोट्स जो थे वो लमसम 1776 के आसपास उन्होंने क्या किया कि कंपनी से त्याग पत्र दे दिया और पहली बार समाचार पत्र प्रकाशन करने का निर्णय लिया। लेकिन जब यह बात अंग्रेजों को पता चली तो लोगों ने उनको इंग्लैंड वापस भेज दिया। इसके बाद जेम्स अगस्तस हिकी ने भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गैजेट, या जिसको द एडवर्टाइजर बंगाल भी कहते हैं, को प्रकाशन किया, लेकिन उसको भी वॉरेन हेस्टिंग ने बंद करवा दिया। इसके बाद भारत में दूसरा समाचार पत्र कौन सा आया, इंडिया गजट आया। फिर धीरे 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 समाचार पत्रों की बहार आने लगी। लेकिन समाचार पत्रों का आधुनिकीकरण देने वाला जिस व्यक्ति को श्रेय जाता है, जेम्स सिल्क बर्किंघम को जाता है, क्योंकि पहली बार उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया और हेस्टिंग और कार्यवाहक जो जनरल थे एडम्स, वो काफी ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने इनको भी इंग्लैंड भेज दिया गया। फिर भारत में समाचार पत्रों का जो भार संभाला वो राजा राम मोहन राय जी थे, और राजा राम मोहन राय जी के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ साथ थे क्रिस्टो दास पाल, जिन्हें भारत में पत्रिका का राजकुमार भी कहा जाता है। फिर तमाम प्रकार के अधिनियम आने लगे अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है, जैसे पंजीकृत अधिनियम लाइसेंसी एक्ट आने लगा, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, तमाम प्रकार के एक्ट आने लगे ताकि वो भारत में जो समाचार पत्र जा रहे हैं उन पर वो प्रतिबंध लगा सके, क्योंकि भारत के समाचार पत्रों में अब आलोचनात्मक चीजें आ गई थी, अंग्रेजों की घटनाओं को वो एकदम खुले रूप से छापने लगे थे, आम जनता समाचार पत्रों को पढ़कर रूबरू होने लगी थी। यही रीजन था कि अंग्रेजों की हालत खराब हुई, वो डर के मारे समाचार पत्रों को बंद करने के लिए अधिनियम लाना प्रारंभ कर दिया।
पर कोई नहीं, एक पक बंद करते थे तो दूसरा आता था, दूसरा बंद करते थे तो तीसरा आता था, ये चलता रहा। इसके साथ साथ हमने बढ़िया सा कॉलम में कुछ एक्ट जो समाचार पत्रों से जुड़े हुए आए हैं, किसने लागू किया, किसने समाप्त किया, उसकी महत्वपूर्ण बातों को डाले हैं। और उसके साथ साथ हमने एक चीज और ऐड किया है, कुछ प्रमुख समाचार पत्रों को भी ऐड किया हुआ है। आज की क्लास में आप आधुनिक भारत का एक पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, जो कि है भारत के समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो क्लास की शुरुआत की जाए भारत के समाचार पत्र और पत्रिकाओं से। तो हमने क्या कहा था, शुरुआत कहां से की थी कि 1554 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा बंबई तथा गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। सबसे पहले और गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत में पहली बार पुस्तक छापी थी। गोवा के पादरी थे, पादरी मतलब जाहिर सी बात है ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग आ जाएंगे। लेकिन 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रिंटिंग प्रेस डाली थी। परंतु जैसा हमने कहा कि 100 वर्षों तक इन्होंने कोई भी संपादन नहीं किया था, ताकि जानकारी क्या हो अंग्रेज तक या इंग्लैंड तक ना जा सके। लेकिन 1776 में विलियम वोल्ट्स ने, किसने, विलियम वोल्ट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इस्तीफा दिया और पहली बार समाचार पत्र निकालने का निश्चय किया। लेकिन विलियम वोल्ट्स को कंपनी के द्वारा इंग्लैंड भेज दिया गया। भाई इनका तो प्रयास असफल हो गया जो पहली बार प्रयास किए थे। लेकिन 1780 में जेम अगस्तस हिकी ने जनवरी 1780 में जेम्स अगस्तस हिकी ने बंगाल गजट नामक, ये आज इसको द एडवर्टाइजर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल गजट को, बंगाल गजट नामक पत्रिका निकाली। सबसे पहली भारत की पत्रिका कौन सी है या समाचार पत्र कौन सा है, बंगाल गजट है। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया हेस्टिंग के द्वारा। लेकिन जब एक बार सूखी रस्सी में आग पकड़ लेगी तो कितना बुझाएंगे, जलता तो जाएगा ही। और हम भारत वाले हैं और हमें बस एक बार कोई रास्ता दिखा दे, उसके बाद कोई भी आए हम उसको पार करते हुए आगे निकल जाते हैं। दूसरा जो भारत का समाचार पत्र था वो था इंडिया गजट। सारी चीजें आपको कॉलम मिलेंगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजें क्या होंगी आपको कॉलम में मिलेंगी। उसके बाद 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और उस समाचार पत्र का नाम जानते हैं क्या है, इसका भी नाम था बंगाल गजट, जो कि किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित किया गया
पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था भाई, ये भारतीय है, किसी भारतीय द्वारा, किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया पहला समाचार पत्र था। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, लेकिन भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने का जो श्रेय है वो मार्क्स मैन को जाता है, जिन्होंने 1818 में दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र निकाला था। मैंने क्या कहा कि भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने का श्रेय मार्क्स मैन को जाता है, जिन्होंने दिग्दर्शन नामक पत्रिका निकाली थी। क्लियर, लेकिन क्या हुआ, जेम्स सिल्क बर्किंगहम ने 1818 में कलकत्ता जर्नल नामक पत्र प्रकाशित किया। किसने? बर्किंगहम ने। पूरा नाम जेम्स सिल्क बर्किंगहम। जेम्स सिल्क बर्किंगहम ने 1818 में कलकत्ता जनरल नामक समाचार पत्र निकाला, लेकिन कहा जाए समाचार पत्रों को आधुनिक रूप देने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो बर्किंगहम को प्राप्त है। समाचार पत्रों को आधुनिक रूप देने का श्रेय किसको प्राप्त है? बर्किंगहम, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार इस बात को रियलाइज कराया कि समाचार जो होता है वो मनुष्य का दर्पण होता है, और इन्होंने ही पहली बार अपने समाचार पत्र में आलोचनात्मक चीजों को लाया हेस्टिंग के बारे में, और उस समय जो प्रेजेंट में गवर्नर जनरल था एडम्स के बारे में, जिसके कारण इनके समाचार पर प्रतिबंध लगाकर इनको भी 1823 में इंग्लैंड भेज दिया गया। लेकिन कब तक भेजेंगे भाई? जो इंग्लैंड का है उसको तो इंग्लैंड आप भेज देंगे, वो आपके लिए आलोचनात्मक चीजें ला रही हैं। कभी भी पूछा गया कि पहली बार किस समाचार पत्र में आलोचनात्मक चीजों का प्रयोग हुआ? आलोचनात्मक चीजों का प्रयोग हुआ तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता जर्नल में। लेकिन कब तक करेंगे आप भाई? इंग्लैंड वालों को भेजेंगे ना, लेकिन जो भारत में है वो उनको कहां भेजेंगे? वो तो भारत में ही रहेंगे। जब इंग्लैंड चले गए तो इसके बाद इनके कार्यभार को राजा राम मोहन राय ने संभाला। यही कारण है राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्होंने कई सारे अखबार निकाले, जैसे संवाद, कौमुदी, ठीक है, मिथुल अखबार, अभी सारी चीजें कॉलम में है, परेशान मत हुई, क्योंकि देखिए कॉलम में पढ़ने से चीजें बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होती हैं, ये जान के रखिएगा।
ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ना, सारी चीजों का स्टैंडर्ड खुद भी डेवलप करना पड़ेगा। हम बार बार आपसे कहें, कई लोग कहते हैं सर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं लाइव प्रमोशन वीडियो में, बोलते ज्यादा हैं। ठीक है भाई, बोलते ही क्या है, जब बोलेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? चीजों को समझने का एक तरीका होता है। अब समाचार पत्र की शुरुआत आपने देख ली भाई, पहले प्रिंटिंग प्रेस रहेगा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करेगी उनके बारे में रहेगा। पहला समाचार पत्र निकालने की कोशिश किसने की? विलियम वोट्स ने, पर इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। दूसरा कौन सा था? इंडिया गजट, ये भी 1780 में ही आया था। फिर 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट फिर निकाला। लेकिन देखिए दोनों बंगाल गजट में डिफरेंस है, ये किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित किया गया पहला समाचार पत्र था और ये अंग्रेज के द्वारा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, भारतीय भाषा का समाचार पत्र निकालने का श्रेय मार्क्समैन को जाता है, क्योंकि इन्होंने 1818 में दिग्दर्शन का संपादन किया। फिर बर्किंगहम, जेम्स बर्किंगहम जो थे, इन्होंने पहली बार अपने समाचार पत्र में आलोचनात्मक चीजों को लाए, जिसकी वजह से हेस्टिंग एडम्स इतने परेशान हो गए कि इनको इंग्लैंड भेज दिए। लेकिन उसके बाद इनके कार्यभार को राजा राम मोहन राय ने संभाला, जिन्हें भारत में राष्ट्रीय प्रेस स्थापना का श्रेय दिया जाता है, या राष्ट्रीय प्रेस का अग्रदूत योद्धा कहा जाता है, कि सबसे पहला आग में कूदने वाला वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना है तो। चलिए, राजा राम मोहन राय के बाद इनके कार्यभार को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संभाला। किसने? समझिएगा, राजा राम मोहन राय के बाद इनके कार्य को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संभाला, और एक पत्रिका थी हिंदू पैट्रियट, हरिश्चंद्र मुखर्जी की। जब हरिश्चंद्र मुखर्जी की मृत्यु हो गई तो इनका तो सोम प्रकाश था ही, जिसको सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन सोम प्रकाश के साथ साथ इन्होंने हिंदू पैट्रियट, पैट्रियट का भी कार्यभार संभाला, और इसके जो संपादक बने वो थे क्रिस्टो दास पाल। कौन थे? क्रिस्टो दास पाल, जिन्हें भारतीय पत्रिका का, जिन्हें भारतीय पत्रिका का राजकुमार कहा जाता है। जैसे भारत में भारतीय भाषा में समाचार पत्रों के संपादन करने का सबसे पहला श्रेय मार्क्समैन को जाता है, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना या उसका अग्रदूत योद्धा का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है, सबसे पहले आलोचनात्मक अपने समाचार पत्रों में इस्तेमाल करने का श्रेय किसको जाता है? बर्किंगहम को जाता है। सेम उसी प्रकार भारतीय पत्रिका का राजकुमार भी किसे कहा गया? क्रिस्टो दास पाल को कहा गया। कई सारे लोग, योगांतर, वंदे मातरम, सब लोगों ने अपने अपने समाचार पत्र निकाले, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ एंग्लो इंडियंस भी समाचार पत्र निकले, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, स्टेट्समैन, ठीक है, इंडियन फ्रेंड या फ्रेंड ऑफ इंडिया, ये सब कुछ समाचार पत्र थे जिनका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ। एक और अंग्रेजी समाचार पत्र था जो था पायनियर, जिसका संपादन इलाहाबाद से होता था। हमने क्या कहा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, फ्रेंड ऑफ इंडिया, ये सब जो समाचार पत्र थे इनका प्रकाशन कलकत्ता से होता था, और पायनियर का जो प्रकाशन था वो कहां से होता था? इलाहाबाद से। फिर इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद की बात है, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश और हिंदू पैट्रियट समाचार पत्रों से किसानों का खूब समर्थन किया था, ठीक है। और आपको पता है नील विद्रोह का जो जिक्र भी मिलता है वो भी किसमें मिलता है? हिंदू पैट्रियट में मिलता है, तो जाहिर सी बात है किसान से जुड़ी हुई बात है। अब धीरे धीरे सब समर्थन करने लगे, इसके साथ साथ हत्या की बातें, लूट की बातें भी पेपर में आने लगी, जिसकी वजह से अंग्रेज परेशान हो गए और वो अधिनियम निकालना चालू कर दिए।
पहले तो ये देख लेते हैं किसने कौन कौन सा समाचार पत्र दिया और उस पत्र की खास बात क्या थी, उसके बाद कौन कौन से अधिनियम आए, किसने लाया, किसने समाप्त किया, उस अधिनियम क्या खास बात है। आप यकीन नहीं मानेंगे, एकदम शॉर्ट में आपको पूरा समझा दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। बहुत चुनिंदा चुनिंदा चीजें लिखे हैं और यहीं से रहेगा सवाल, इसके बाहर नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपने भारत समाचार पत्र पत्रिकाओं के ऐसे कॉलम बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, पर ऐसे ही कॉलम मेरे ये पर्सनल नोट से हैं। पहला समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट, जेम्स अगस्तस हिकी ने, ठीक। ये क्रम से है समाचार पत्र, ये जान के रखिएगा किसका कौन कौन सा क्रम है। अगर ये अगर जैसे स्क्रीनशॉट लेके इस तरह आप नोट्स बनाएंगे तो आपके क्रम आते रहेंगे। देखिए दोस्त, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरओ यारो हो, एकदम हार्ड नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर आप कहे नहीं बन गए, लॉजिक सी बात है, आपका सवाल आएगा कि सर हार्ड नहीं होता तो आप ही बन गए होते, और नसीब भी होता है ना कुछ। खैर ऐसा तो नहीं, उम्र निकल गई है, बनेंगे, जरूर बनेंगे। कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, हम उसको जितना सोचेंगे वो उतना हार्ड है और जितना सोचेंगे उतना ही आसान है। अब मैं अगर आपको भी पावर सिस्टम पढ़ाऊं, पीसीएस के बैच में इलेक्ट्रिकल बीटेक पावर सिस्टम पढ़ाऊं, या ट्रांसफार्मर पढ़ाने लगूं, या प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग पढ़ाने लगूं, तो आपको कहेगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, बहुत टफ है। लेकिन मेरे लिए वो ईजी है, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए हिस्ट्री ईजी है। हो सकता है कोई मुझे बैंकिंग पढ़ाएगा तो मेरे लिए टफ है। सिर्फ ये मस्तिष्क का खेल है कि आप किस चीज को ईजी और किस चीज को टफ समझते हैं। तो देखिए, भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसे कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, मैंने कहा ना इसे कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर की भी संज्ञा दी गई। तो कभी पूछ दिया गया कि किस समाचार पत्र को कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर की संज्ञा दी गई है, तो आंसर हो जाएगा बंगाल गजट को। उसके बाद मैंने बताया कि गंगाधर भट्टाचार्य जो थे, गंगाधर भट्टाचार्य और हरीशचंद्र राय जो थे, इन्होंने भी बंगाल गजट निकाला था। ये प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र था। प्रथम भारतीय कहने का मतलब कि पहला समाचार पत्र था जो किसी भारतीय के द्वारा निकाला गया था। यह मैं भी पीछे नोट्स में समझा दिया हूं। प्रथम बंगाली मासिक तथा भारतीय भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, साप्ताहिक हो गया और इसका नाम समाचार दर्पण हो गया। तो कभी पूछा गया कि बंगाल गजट जिसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया उसको और किस नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा समाचार दर्पण के नाम से। जैसे बंगाल गजट को किस नाम से जानते हैं, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर के नाम से। उसके बाद दिग्दर्शन था, मैंने अभी आपको थोड़ी पहले देर से पहले बताया कि भारतीय भाषा में प्रकाशित करने का समाचार पत्रों का श्रेय मार्क्समैन को जाता है और उन्होंने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था वो कौन सा था, दिग्दर्शन, ये जो कि प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र था, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे पढ़ते हैं। मार्क्समैन के बाद या बकिंघम के बाद पूरी कमान राजा राम मोहन राय के हाथ में आ गई। संवाद कौमुदी, या देखिए बंगाली भाषा में लिखा गया यह पहला समाचार पत्र था, कौन सा, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, या राष्ट्रवादी हित विचारधारा से प्रेरित बंगाली भाषा का साप्ताहिक पत्र था। कभी भी आपको पूछ लिया जा सकता है कि पहला बंगाली साप्ताहिक पत्र कौन सा था, तो संवाद कौमुदी। समाचार दर्पण, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले था जिसका मैंने, ये देखिए पीछे ही लिखाया था मैंने, अब देखिए किसका नाम समाचार दर्पण हो रहा है, बंगाल गजट का नाम समाचार दर्पण हो गया, लेकिन इसका प्रकाशन अब कौन कर दे रहा है, इसका प्रकाशन अब कौन कर रहे हैं, जीसी मार्क्समैन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, जीसी मार्क्समैन, बंगला भारत में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक। मिरातुल अखबार, ठीक, राजा राम मोहन राय, फारसी भाषा का प्रथम पत्र था। ये सवाल आईएएस में दो बार आया है, आप देखेंगे आईएएस में दो बार आया है कि प्रथम फारसी भाषा का अखबार कौन सा था, तो वो था मिरातुल अखबार। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने उर्दू भाषा में जामे जहानुमा नामक पत्रिका प्रकाशित की, ये उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र था। याद रखिएगा, पहला बंगाली, पहला फारसी, पहला अंग्रेजी, पहला भारत के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, पहला हिंदी, ये सब याद रखिएगा। यहां से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं और मिलाप में आते हैं मैच द फॉलोइंग में। बॉम्बे समाचार पत्र जो थे वो फरदुन जी मर्जमान थे, ये गुजराती भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था। और उत्तंड मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल का था, ये भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था।
याद रखिएगा, भारत का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था वो था उत्तर मातंड, पहला गुजराती भाषा का समाचार पत्र था बॉम्बे समाचार, उर्दू भाषा का था जामे जहानुमा, नाम से ही आप निकाल लीजिएगा, मिरातुल अखबार फारसी भाषा का था, संवाद कौमुदी बंगला भाषा का था, बॉम्बे टाइम्स जो था ये रॉबर्ट नाइट का है, इसके बाद इसी का नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, याद रखिएगा। कभी भी ये अगर किसी ने मेरा प्रश्न संग्रह देखा होगा या 50 कदम देखे होंगे तो उसमें पेपर से जुड़े हुए मैंने सवाल डाले थे और ये सवाल था वहां पर, ठीक है। बॉम्बे टाइम्स का नाम ही बदलकर क्या हुआ था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और यह दैनिक पत्र था, मतलब रोज आता था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे चलते। रास्ता गुफ्तार, देखिए अब जितने भी समाचार पत्र हैं वो भारत के जो कई सारे उदारवादी या उग्रवादी लोग हैं जिन्होंने प्रकाशन किया है वो उनके हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो रास्ता गुफ्तार दादा भाई नेहरोजी का था, जो कि पारसी धर्म सुधारकों का समाचार पत्र था। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, प्रथम बंगाली राजनैतिक समाचार पत्र। कभी भी आपसे पूछ लिया गया कि प्रथम बंगाली राजनैतिक, समझिएगा, प्रथम बंगाल राजनैतिक समाचार पत्र कौन सा है, तो सोम प्रकाश है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोम प्रकाश का जिक्र किया कि किसानों को सर्वाधिक समर्थन देने वाला भी जो समाचार पत्र था वो कौन सा था, सोम प्रकाश था। उसके बाद था स्टेट्समैन, अंग्रेजी में था, ठीक है, के रंग हैरी का है। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी का था, मैंने अभी बताया था नील विद्रोह के बारे में, बाद में जब हरिश्चंद्र मुखर्जी की मृत्यु हो जाएगी तो फिर इसको कौन ले लेंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और इसके संपादक कौन हो जाएंगे, क्रिस्टो दासपाल हो जाएंगे, जिन्हें भारतीय पत्रिका का राजकुमार कहते हैं। मराठा बाल गंगाधर तिलक का है, लेकिन पहले इस पत्र के जो संपादक थे वो अगारकर जी थे। देखिए आप पीसीएस के पूछने का सवाल सिविल लेवल का हो गया, हो सकता है वैसे पूछ ले आपको, कि पूछ लेगा मराठा के संपादक कूट दे देगा समाचार पत्रों से जुड़ा हुआ, और आपको दे देगा मराठा के संपादक अगारकर थे, तो आप कहेंगे हम तो जिंदगी में बाल गंगाधर तिलक सुने हैं, नहीं, पहले इसके संपादक कौन थे, अगारकर थे। युगांतर, ठीक है, बरिंद्र घोष का है, भूपेंद्र नाथ दत्त का है, और इंडिया दादा भाई नौरोजी का है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुख्य साप्ताहिक पत्र था, ठीक। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र, देखिए आपको ऐसा टफ लग रहा होगा लेकिन जब आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉलम बनाना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको इजी लगने लगेगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए संध्या जो था ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय का था, प्रताप जो था गणेश शंकर विद्यार्थी का था, गदर, आपको पता है गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन लाला हरदयाल ने किया, ये मैं अपने आधुनिक भारत में आपको पढ़ाऊंगा भी, इसका प्रकाशन कहां हुआ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, जहां पर गदर पार्टी का गठन हुआ था, जिसको पहले हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के नाम जानते हैं, बैच में पढ़ाएंगे बातें, ठीक है। गदर पत्रिका सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी, फिर अंग्रेजी, फिर गुजराती, फिर पंजाबी और फिर हिंदी, ठीक है। और ये प्रवासी, प्रवासी मतलब जो भारत के बाहर, मतलब प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का पत्र था। भवानी मंदिर, ठीक, ये वरिंद्र घोष का था, या बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। अगर आप शहीद भगत सिंह देखे होंगे तो उसमें इस पत्रिका का नाम लिया गया है, ठीक है, भवानी मंदिर पत्रिका में बम और हथियार बनाने के बारे में कहा गया था। वंदे मातरम था, क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत था। वंदे मातरम एक और था, वो लाला हरदयाल का था। अल हिलाल मोहम्मद अबुल कलाम आजाद का था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था, याद रखिएगा। लेकिन न्यू इंडिया को पहले मद्रास स्टैंडर्ड के नाम से जानते थे, न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था इसको पहले मद्रास स्टैंडर्ड के नाम से जानते थे, बाद में इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, न्यू इंडिया कर दिया गया। द लीडर मदन मोहन मालवीय का था,
यंग इंडिया महात्मा गांधी का था, ठीक है, नवजीवन महात्मा गांधी का था, हरिजन भी महात्मा गांधी का था, और स्वराज एनपी परुलेकर का था, स्वराज वाला याद रखिएगा, और नेशनल होलार्ड जवाहरलाल नेहरू का था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। मौलाना मोहम्मद अली के समाचार पत्रों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हिंदुस्तान, पंडित मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्रा, आज शिव प्रसाद गुप्ता, कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली और हमदर्द मौलाना मोहम्मद अली, ये कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे। देखिए, समाचार पत्र जो हो है, अगर पूरे समाचार पत्र पढ़ाए जाए 380 तो लग रहा है कि 2-3 महीना निकल जाएगा, लेकिन देखिए हम क्या करते हैं कि किसने कब संपादन किया वो ज्यादा जरूरी होता। बाकी प्रेस की स्थापना कैसे हुई, समाचार पत्र हुए कैसे, पहले निकालना कौन सा, क्या क्या बातें, वो हम अपने नोट्स में आपको बता दिए हैं। इनका बस कॉलम देखिए, जो पहले बताया उन चीजों को लिखिएगा और फिर ऐसे कॉलम बनाइएगा, आप खुद देखिएगा चीजें कितनी आसान है। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्या कहा था कि कई सारे अधिनियम भी आए भाई, जब समाचार पत्रों में आलोचनात्मक चीजों को कहा जाने लगा, ठीक है, उसके साथ साथ क्या हुआ, अंग्रेजों की बुराई की जाने लगी, तो तमाम प्रकार के समाचार पत्र से जुड़े हुए अधिनियम आए ताकि वो भारतीयों को कमजोर कर सके। तो जो कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण समाचार पत्र के अधिनियम है उनका भी कॉलम बनाया। देखिए, अभी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बताएंगे कि हाँ, लॉर्ड लिटन जो था, बंगाल में महामारी फैली थी, कई लोग मारे गए थे, फिर उसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि तमाम चीजें अखबारों में लिखी जाने लगी। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, जिसमें यह था कि पहले बॉन्ड साइन कराना है, मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, इसको गैगिंग एक्ट कहा गया, सोम प्रकाश को प्रतिबंध किया गया, पायनियर ने इसका समर्थन किया गया, तमाम चीजें। लेकिन इसको ऐसे जब पढ़ाएंगे एक एक लाइन चीजें, तो एक एक लाइन चीजें लिखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इनको मैं कॉलम बनाया हूं। आप देखिए कैसे ऐसे अधिनियम के भी कॉलम बनते हैं, जैसे कांग्रेस ट्रिक से पढ़ाया हूं मैं प्रमोशन वीडियो में, याद होगा ना, ऐसे अधिनियम के भी ट्रिक्स हैं। तो जो समाचार पत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे वो इस प्रकार थे। देखिए, पहला था प्रत्यक्षण अधिनियम, इसको लाया था लॉर्ड वेलेसली ने और 1818 में खत्म किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। देखिए, दोनों चीजें मैं एक साथ लिखते हुए चल रहा हूं। थ्योरी में ये चीजें जब आप पढ़ते हैं तो आपके लिए टफ होती जाती हैं, लेकिन अब आप ऐसे बना लेंगे तो आप जब पढ़ना रहेगा केवल ऐसे पेज पलटेंगे और एक दो पेज में पूरा का पूरा समाचार पत्र का अधिनियम खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार पूरा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 का अधिनियम भी 3 पेज में पूरा खत्म कर देते हैं, समझिए। इसमें क्या था कि समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छपना चाहिए। जो समाचार पत्र आता था तो पहले उसमें नाम वगैरह नहीं दिया रहता था, तो जिसका जो मन हो वो लिख दे। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और कोई चैनल के अंदर नहीं हो, चाहे जो बोल दो। तो इसीलिए ऐसा नियम लाया गया कि भाई मान लीजिए अगर कोई गलत भी बोलता है, मान लीजिए मैं किसी गलत शब्द का भी प्रयोग करूंगा तो आप कहेंगे TWA के हैं सर और इनके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहिए। लेकिन जब कोई संस्था ही नहीं रहेगी तो आप कंप्लेंट किस नाम से करेंगे। तो इसीलिए हुआ कि अगर कोई समाचार पत्र है तो उसमें संपादक का नाम होना चाहिए ताकि अगर कुछ गलत वो लिख रहा है तो उसे पकड़ा जा सके। एक्चुअली इस समय फ्रांसीसियों के आक्रमण का भय भी था, तो इनको यह लगा था कि कहीं भारत वाले, क्योंकि तो भारत वाले हमेशा फ्रांस के साथ रहे, चाहे आप टीपू सुल्तान को देख लीजिए, मैंने पढ़ाया था मैसूर युद्ध में, प्रमोशन वीडियो भी किया था, चाहे क्या कहते हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी को देख लीजिए, तमाम लोग थे। तो फ्रांसीसियों के भय के बारे में कहीं भारत को जागरूक ना करें फ्रांसीसियों के आक्रमण के बारे में, इसीलिए अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से भय था, इसलिए भी उन्होंने यह अधिनियम लाया। और प्रकाशन के पहले सचिव के सामने पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना था, ठीक, मतलब सचिव के सामने समाचार पत्रों को रीडिंग करने के लिए उनको भेजना आवश्यक था। जब तक सचिव रीडिंग नहीं कर लेंगे तब तक उस समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिनियम था, स्क्रीनशॉट हो आप ले लीजिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिनियम था वो ये था, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट था।
ठीक 1823 में लागू किया था जॉन एडम्स ने। अभी एडम्स का नाम लिया था सिल्क बर्किंगहम ने, जब पहली बार आलोचनात्मक शब्द का प्रयोग किया था एडम्स ने ही उसको इंग्लैंड भेजा, और इसको खत्म किए थे मेटकॉफ ने। मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्यों यही पॉइंट्स में है। इसका क्या नियम था इस अधिनियम का कि प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के पहले लाइसेंस लेना होगा। यह नियम जो था स्पेशली यह नियम जो था यह भारतीय भाषाओं में जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी उनके विरुद्ध था। पर अंग्रेजी में होगा तो यह पढ़ के समझ लेंगे, लेकिन हमारी हिंदी में हुआ, उर्दू में हुआ, गुजराती में हुआ, तेलुगु में हुआ, बंगाली में हुआ, ये नहीं समझ पाएंगे, हम कुछ भी लिख दें। यही रीजन था कि जो भारतीय भाषा में प्रकाशित होते थे उनके लिए स्पेशली यह जो था अधिनियम लाया गया। और इसके तहत सबसे पहले जिस अखबार को बंद किया गया वो मिरातुल अखबार था। कौन सा अखबार था? मिरातुल अखबार था, ठीक। और आपको पता है पहला फारसी भाषा का अखबार राजा राम मोहन राय का। मेटकॉफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा गया। किसको? मेटकॉफ को। और 1835 में लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस अधिनियम के तहत ये मेटकॉफ ने लाया था। लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस अधिनियम के तहत केवल प्रकाशन के स्थान को सूचना देनी थी, मतलब मेटकॉफ ने कहा कि कहीं भी समाचार पत्रों कोई दिक्कत नहीं, ना लाइसेंस की, ना क्या कहते हैं आपको नाम लिखना है, केवल जिस स्थान से आपका पत्र आ रहा है, समाचार पत्र आ रहा है, केवल उस स्थान का नाम। जैसे जागरण, दैनिक जागरण आया तो ऊपर इलाहाबाद जागरण लिखा रहता है, ठीक है। लखनऊ में जाएंगे तो वहीं लखनऊ जागरण, तो किस जगह से वो संपादन हो रहा है केवल बस उस स्थान का नाम रहे, बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। यही कारण है मेटकॉफ को मुक्तिदाता कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला जो था वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये आपके लिए जरूरी है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको लागू किया था लॉर्ड रिटन ने, लेकिन समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने वाला लॉर्ड रिटन था, समाप्त करने वाला लॉर्ड रिपन था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि क्या हुआ था कि बंगाल में महामारी फैली थी, उसके बाद उसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और कई सारे आलोचनात्मक चीजें पेपर में लिखी गई, जिसकी वजह से लिटन ने परेशान होकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। और ठीक इसमें क्या था कि भारतीय पत्रों के संपादकों को बॉन्ड लिखा, मतलब उनके जो भारत समाचार पत्र पहले तो बॉन्ड साइन होता है, बॉन्ड लिखा लें कि आपत्तिजनक सामग्री नहीं प्रकाशित करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो उनके प्रकाशन को बंद कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा, अपील करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब मजिस्ट्रेट ने कहा कि हां यह न्यूज सही है तो सही है, कहा गलत है तो प्रकाशित नहीं होगा, आप उस पर अपील नहीं कर सकते हैं। इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट भी कहा गया। गैगिंग, ठीक है, इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट कहा गया, मतलब मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। और आकाश, इसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने इस अधिनियम को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। इसके तहत सर्वप्रथम जिस पत्रिका को प्रतिबंधित किया गया वो था सोम प्रकाश। कौन सी पत्रिका थी? सोम प्रकाश को। और वरेंद्र कुमार घोष की पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। इसकी खास बात क्या है, इस एक्ट के तहत ये जो पत्रिका थी अमृत बाजार, ये रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी और साप्ताहिक पत्रिका बन गई, जिसकी वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इस पत्रिका पर लागू नहीं हो पाया। और इस एक्ट का समर्थन केवल पायनियर ने किया था, जो समाचार पत्र है पायनियर, उसने इस एक्ट का समर्थन किया, बाकी किसी ने नहीं किया। और अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक रूप में क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आपको आसान लग रही होंगी, पैराग्राफ में पढ़ने से अच्छा ऐसा कूट में भी आएगा तो ऐसे ही तो आएगा, ठीक। फोटो खींच लीजिए। अगले एक्ट पर चलते हैं, समाचार पत्र अधिनियम 1908, लॉर्ड मिंटो के समय आया, ठीक है। इसमें क्या था कि किसी भी समाचार पत्र में हत्या या हिंसा की बातें नहीं लिखी जाएंगी। देखिए, होगा समाचार पत्र में हिंसा अथवा हत्या करने वाले तथ्य होंगे तो प्रकाशक की संपत्ति या मुद्रणालय जब्त कर ली जाएगी,
और इसके तहत जिस समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया वो था वंदे मातरम, संध्या, युगांतर और इसके अलावा और भी 9 समाचार पत्र थे। ये मुख्य समाचार पत्र थे जो हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा प्रकाशित होते थे। बैच में बताएंगे, इसमें था वंदे मातरम, संध्या और युगांतर। और आखिरी जो महत्वपूर्ण अधिनियम था वो था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। लॉर्ड मिंटो ने यह भी लाया था। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो शर्तें थी उसको फिर से लागू कर दिया गया। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो शर्तें थी उसको फिर से लागू कर दिया गया। लेकिन भारत वाले पहले जैसे नहीं थे, वो जागरूक हो चुके थे, बुद्धिजीवी वर्गों का विकास हो चुका था। इसीलिए तेग बहादुर सप्रू, देखिए 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक प्रेस कमेटी नियुक्त की गई, जिसके तहत 1908 और 1910 के अधिनियम को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो कभी भी पूछा गया कि 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस कमेटी नियुक्त की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में, जिसके तहत 1808 और 1810 के अधिनियम को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ये थे भारत के कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं। मैसूर राज्य आपको हमने दे दिया है, आंग्ल सिख युद्ध दे दिया है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं इतने आसानी से हमने आपको, अब ये आप ही बताएंगे कि आसान है टफ है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ता हूं और ऐसे ही कूट के सवाल भी कर लेते हैं। ऐसे ही आपको अधिनियम भी मैं दूंगा सारे, ऐसे ही मैं आपको क्या कहते हैं वो शिक्षा, जो शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग, हंटर आयोग, ये सब भी वैसे ही बताऊंगा। फिर सारे मिशन जो भारत आए थे, इसी प्रकार, इस प्रकार पढ़ने से चीजें 2-3 पेज में खत्म होती चली जाती। अब एक चीज पैराग्राफ में आप लिखेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। इन चीजों को ऐसे ही समझना है। और चूंकि संस्था के द्वारा पीसीएस का बैच रन हो रहा है, अभी आपको तो एक एक चीजें केवल निकल के मिल रही है, ये तो बस सिर्फ एक मूवी के पोस्टर है। पूरी मूवी देखना है तो हमारे बैच से आप जुड़िए, और हमारे बैच से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने व्हाट्सएप पे एंट्री लिखकर UPPCS प्री कम मेंस लिखकर 9918000454 पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, और आपको संस्था के द्वारा जोड़ दिया जाएगा और आप हमारा जो मूवी शो चल रहा है बैच में उसके हिस्सेदार बन जाएंगे। तो होली अच्छे से मनाइएगा, लेकिन इसको जरूर पढ़िएगा, इस पर अपने व्यक्त जरूर बताइएगा कि क्या ऐसे कॉलम में पढ़ने से चीजें छोटी होती हैं, अच्छी होती हैं कि नहीं होती हैं। और विश यू अ वेरी हैप्पी होली, सेहत का ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम फिर किसी दिन एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।